ये देखो फ्रेंड्स हमारे मंदिर के अलग अबरी लगाओ ना तो ये ऐसे हो जाता है अबरी से पूरे में मतलब फेविकोल चिपक गया। ऊपर से साफ कर दिया लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा अभी करते हैं। ये मैडम चढ़ी हुई है कह रही मैं ही करूंगी यहाँ पे हमने कर दिया है मंदिर साफ। अब हम लगा रहे हैं अबरी, अबरी में फेविकोल लगा रहे हैं क्योंकि वो चिपकाना पड़ती है ना अबरी तभी वो लगती है, क्योंकि टेप वगैरह से लगाओ ना तो वो फिर उखड़ जाती है थोड़े दिन में ही ना, या फैन वगैरह चलता है तो उखड़ जाती है, इसलिए फेविकोल से चिपकानी पड़ती है, तभी तो मंदिर की ऐसी हालत हो रखी है। और वैसे कपड़े से तो मैंने अच्छे से कर दिया है साफ, वैसे होता नहीं है, वैसे मंदिर हो ना जो प्लाई वगैरह का होता है वो तो साफ कर दो, लेकिन ये जो वैसे मंदिर बने हुए होते हैं ना इन पे तो या तो पुताई होती है या फिर अबरी से कर दो, तो इसलिए हम हर बार ऐसे ही करते हैं। नवरात्रों में करती हूँ मैं, जैसे लगता है मुझे थोड़ा सा काला हो रहा वैसे ही कर देती हूँ। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ की हालत देखो जरा पूरी कैसे हो रखी है, इधर से उधर उधर से इधर हमने सब चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं बस अब लगा दिया फेविकोल, अब अबरी लगा रहे थे हम। अब देखो मंदिर जब अबरी लग जाएगी ना तब देखना कितना अच्छा लगेगा मंदिर, अभी तो कैसा लग रहा है ना देखने से, जब अबरी लग जाएगी तब ठीक लगेगा। और येलो कलर ना मैं येलो कलर ही लगाती हूँ क्योंकि येलो एक तो लाइट कलर है, ऊपर से कान्हा जी को येलो कलर अच्छा भी है, और येलो कलर में ना लाइट पड़ती है ना तो वो और भी ज़्यादा चमकता है। एक बार मैंने रेड कलर लगाया था ना तो रेड कलर इतना डार्क हो गया था ना, उसमें अंधेरा अंधेरा लगता है। कोई भी लाइट कलर यूज़ करो ना तो उसमें रोशनी भी लगती है, वाइट हो और भी हो लाइट कलर मतलब, तो ये येलो वाला ही लगाती हूँ मैं। एक बार रेड लगा के देख लिया तो वो अंधेरा था, तो मैंने एक बार येलो लगाई तो उससे ठीक लगा, तो फिर अब हर बार ना येलो ही लगाती हूँ मैं। अब बस पूरा में लग जाएगी, फिर उसके बाद में दिखाती हूँ कि पूरा लगने के बाद कि कैसा लग रहा है ये। ये देखो बस अब थोड़ी सी इधर से रह गया था, इधर से भी लगा रही हूँ। और ये ना दिया ना पहले मैं दिया जलाती थी ना तिल के तेल का, तो ये ना तब से काला हो रखा, अब तो मैं घी का दिया जलाती हूँ तो अब तो ये काला नहीं है। शुरू शुरू में ये हमने जला दिया था ना तो तब ये काला हो गया था, फिर ये काला कहाँ ठीक होता है, तो पुताई से ही ठीक होएगा, अब तो नहीं हो रहा है काला। देखो ऊपर भी बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है वो, इसलिए बस वही है कि घी का दिया जलाओ तो ठीक रहता है, तब तो पता नहीं था इसलिए काला हो गया। अब हो गया ये हमारा मंदिर पूरा क्लीन, देखो मैंने लगा दिया अच्छे से अबरी और पूरा ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने कर दिया है डेकोरेशन, अभी ना लाइटिंग वगैरह नहीं, अभी तो मैं लगा के देखती थी। देखो मैंने मंदिर भी नहीं लगाया, बस यही लगा के देखी थी कैसा लग रहा, और ये लगा दिया मैंने मंदिर भी। शाम ही की है ये, मतलब जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये मैं पूरी डेकोरेशन वगैरह लगा के देख रही थी कि कैसा लगेगा, तो ये हो गया हमारी पूरी डेकोरेशन। और इधर ये मम्मी के कान्हा जी भी ले आई मैं इधर ही, क्योंकि मम्मी तो नहीं करेगी, उनकी तबीयत ख़राब है, तो हम ही लेके आ गए यहीं पे। और बस अब इसी तरह से हमने पूरी डेकोरेशन की है, आपको कैसी लग रही है डेकोरेशन बताना ज़रूर। बस एक बैलून लगाने हैं, वो मैं अगले दिन जन्माष्टमी वाले दिन ही लगाऊंगी बैलून। और इस तरह से मैंने पूरी डेकोरेशन की है, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।